प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज वाराणसी दौरा, आपको बता दें बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां प्रधानमंत्री का आज वाराणसी दौरा है। इस दौरे के दौरान 2,874.17 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी का आज वाराणसी दौरा है। वाराणसी एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन की नींव पीएम आज रखने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज वाराणसी दौरे के दौरान कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं। बता दें आपको बड़ी खबर सामने आ रही है, पीएम मोदी इस दौरे के दौरान कई करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, जिसमें 23 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास शामिल है। आपको बता दें पीएम मोदी अपनी यात्रा के दौरान 23 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 380.13 करोड़ की लागत से की परियोजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा। 2,874 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा पीएम मोदी के द्वारा। वाराणसी एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन की भी पीएम मोदी आज नींव रखने वाले हैं। बड़ी खबर वाराणसी से आ रही है, आपको बता दें पीएम मोदी वाराणसी से लगातार तीसरी बार सांसद चुने गए हैं, जिसके बाद वे एक बार फिर वाराणसी दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरे के दौरान वे कई हजार करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं। 23 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास पीएम मोदी आज करने वाले हैं। दीपावली की सौगात वाराणसी को देने वाले हैं पीएम मोदी। वाराणसी एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन की नींव रखेंगे, 380 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। वहीं तो 2,874 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास पीएम मोदी आज करने वाले हैं। बड़ी खबर हम आपको बता दें, पीएम मोदी नए एयरपोर्ट भवन की भी, वाराणसी एयरपोर्ट के भी टर्मिनल की भी नींव रखने वाले हैं। बड़ी खबर प्रधानमंत्री मोदी का आज वाराणसी दौरा है। इस दौरे के दौरान पीएम आज दीपावली की सौगात वाराणसी वासियों को देने वाले हैं। इस दौरान 23 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास पीएम मोदी करेंगे। 380 करोड़ की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। वहीं 2,874 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास पीएम आज करने वाले हैं। वाराणसी एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन की भी नींव पीएम मोदी आज रखने वाले हैं।